प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में अब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आईटी सेल का भी गठन किया है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत की वजह से ही चंद्रशेखर आजाद आज सदन तक पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया की ताकत को जानते भी है और उनका अच्छा खासा उपयोग भी करते हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद के द्वारा अपने संगठन आजाद समाज पार्टी का वेरीफाइड उनके पास फेसबुक पेज है, उनकी भीम आर्मी का वेरीफाइड पेज है, ट्विटर के ऊपर भी उनके सभी अकाउंट्स है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी ताकत को देखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर अब अलग अलग राज्यों के अंदर भी आईटी सेल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और आईटी सेल का गठन है वो पूरे प्रदेश भर के अंदर अलग अलग कार्यकारिणियों के द्वारा भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आईटी सेल का गठन किया, जिसके मद्देनजर मिल रही जानकारी के अनुसार नवीन बामणिया को प्रदेश मीडिया का प्रभारी, रानी बोध को प्रदेश आईटी सेल प्रभारी, रामेश्वर आजाद को प्रदेश आईटी सेल सह प्रभारी नियुक्त है वो किया है। आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी सदस्य और भीम आर्मी के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र प्रभारी अनिल देनवाल के द्वारा ये एक लेटर है वो जारी करते हुए यहाँ पर उन्होंने नवीन बामणिया को प्रदेश प्रभारी, प्रदेश मीडिया का प्रभारी, रानी बोध को प्रदेश आईटी सेल प्रभारी, रामेश्वर आजाद को प्रदेश आईटी सेल से प्रभारी है वो नियुक्त किया है। तो ये नियुक्तियां आजाद समाज पार्टी की तरफ से है वो की गई है और उनकी तरफ से आईटी सेल को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। आईटी सेल का गठन किया जा रहा है ताकि पार्टी के विचार नीति रीतियों को आईटी सेल के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाए।